फाइनली इसे देखने के बाद मेरी बचपन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई है भाई। बुल क्या अनुष्का जी, आप हमारे सेलमोन बॉय से इतना ज्यादा इंस्पायर कैसे हो गई कि आपने तो उनका यार पोस्टर बनाने वाला ही हायर कर लिया। बुलबुल बॉलीवुड की हॉरर रोमांटिक मूवी। अब यार इतना सुनते यार तुम्हारे दिमाग में क्या आया होगा, नकली VFX, भागने वाली एक्टिंग, सस्ते आटे और नाले में सने हुए भूत, कुछ हवस के पुजारियों का नंगा नाच। तुम्हारी मर्दानगी वापस लौट सकती है अगर तुम दो कन्याओं का बंदोबस्त करोगे तो। कुछ बेहुदा सीन्स जिनका सेंस से कोई लेना देना ही नहीं है यार, और हैंगओवर के टाइम पे उल्टी करती हुई डायन, और ऐसी एक्टिंग जो कि भाई आपको डराएगी लेकिन यार मूवी देखने से। भाई अगर तुम्हारे भी दिमाग में ऐसा ही कुछ आया था ना तो तुम चिंता मत करो यार, तुम फाइनली बर्बाद हो चुके हो, बॉलीवुड ने तुम्हें ले डूबा है। अब यार देखो बुलबुल जो मूवी है ना, तुम लोगों की सोच से बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। और अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो यार मुझे इसके अंदर जो इसका म्यूज़िक जो कि एकदम ऑन द पॉइंट है भाई, और अगर तुम इसके VFX देख लोगे ना वो भी कतई माशाल्लाह है। मतलब इन दो चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इस मूवी को एकदम परफेक्ट पॉइंट देता है। और इस मूवी को यार उन बॉलीवुड की घिसी पिटी एक ही सीन्स वाली जो मूवीज है ना उनसे बहुत ही अलग बना देता है। अभी यार अगर एक्टिंग की बात यार अगर आई गई है तो भाई देखो इस पूरी मूवी में ना मेरे को इस लड़की का काम सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा। मतलब तुम यार इसको रियल लाइफ में देखना और इसको मूवी में देखना यार बिल्कुल अलग ही फील आती है। अरे छोटू जरा इस इंस्टाग्राम की पिक्स दिखा जरा। म्यूजिक मतलब दीदी के मेकअप का कमाल देख रहे हो। लेकिन यार यहाँ तो हमारी बुलबुल दीदी भी फाइनली मार खाई गई। मतलब यार सिगरेट पीने की एक्टिंग आपसे अच्छी तो हमारे इन भैया ने कर ली पताल लोक के अंदर। और तेरा क्या रोल था उसमें? सर एक बात बोलूं, पर्सनल मत ले, आप सिगरेट पीने की एक्टिंग ना चुतियों वाली करते हैं। देखो दीदी मेरा तुमसे कोई भी जो है लेना देना नहीं है, ना मुझे तुमसे कोई शिकायत, बस मुझे तुम ये बताओ धुआं कहाँ है। अरे सिगरेट पी रही हो तो ये तो बता दो कि धुआं कहाँ पे है। धुआं कहाँ है, धुआं कहाँ है, धुआं कहाँ है। हेलो धुआं कहाँ है? धुआं नेपाल में, और तू भी नेपाली है, जल्दी से करा। अब भाई देखो तुम बुलबुल मूवी देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, अच्छी मूवी है, देखनी भी चाहिए। लेकिन यार तुम मुझे एक बात बताओ यार, इस मूवी को इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनाने की क्या जरूरत थी? मतलब यार तुम अगर ये सीन देखोगे ना तो तुम्हारे मन से आवाज आएगी कि यार यही चुड़ैल है। अभी अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो यार तुम खुद ही देख लेना। अभी इन सब चीजों को साइड में रखते हैं और फिलहाल यार नॉर्मल बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखो यार अगर मैं कास्टिंग को लेकर के इसकी बात करता हूँ ना तो यार कास्टिंग जो थी ऑन द पॉइंट थी। मतलब अगर तुम इन मोहतरमा का बचपन वाला वर्जन और बड़े वाला वर्जन एक साथ देखोगे ना तो ज्यादा कुछ डिफरेंस तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हाँ कास्टिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन एक चीज जो मेरे को इस मूवी के अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो ये थी कि अगर इस मूवी के अंदर जो चीज दिखाई हुई है वो एकदम सही है ना तो भाई ये एक बहुत ही बेकार चीज़ है हमारे इंडिया को लेकर के। क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ अगर इंडिया में ऐसा कुछ होता है ना तो यार ऐसा बहुत ही अच्छा है कि अब नहीं होता, और होता भी है तो यार ऐसा नहीं भी होना चाहिए। तुम खुद ही सोचो यार वो इतना बड़ा बूढ़ा बैल होकर के अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करता है तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती है चीज़, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई पर्सनली। अब तुम्हें क्या लगता है यार, तुम्हारे ओपिनियंस मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर मूवी देख ली है तो ज़रूर बताना, वरना जाओ जाके पहले मूवी देखो। मैं मिलूंगा यार ऐसी किसी नई वीडियो के साथ किसी और अच्छे रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अरे तुझे नहीं लगता है हमने रिव्यू की जगह रोस्ट ही कर दिया इसका?